अब तक आपने देखा। रसिया सुल्ताना को सलाम। गले से ना लगाएंगे हमें, ये मजाक का वक्त नहीं है। थारे बराती खड़े। बराती नहीं है वो, चाबास लड़ाके हैं ये सब। मिर्जा ने दिल्ली सल्तनत पे हमला कर दिया, शहजादी रसिया का तख्ता पलट, उन्हें कैद कर लिया। मिर्जा हमारा यकीन कीजिए, वो सारी साजिशें हमने नहीं बल्कि याकूत ने रची थी। उसके बाद भी आपने उसे खुला छोड़ दिया। बेइंतहा मोहब्बत करती है ये याकूत से। शातुरकान, मिर्जा ये शातुरकान झूठ बोल रही है। खामोश। अब आगे। गिरफ्तार कर लो दिल्ली सल्तनत की इस फरेबी सुल्ताना को। अब हमारे लिए ये एक मुजरिम है। मिर्जा, मिर्जा हमारी बात सुनिए। मिर्जा शातुरकन झूठ बोल रही है। मिर्जा, मिर्जा हमने कुछ नहीं किया। हमारी मोहब्बत पाक है मिर्जा। मिर्जा हमारी बात सुनिए। मिर्जा हमने कोई फरेब नहीं किया है। मिर्जा हमारी बात सुनिए। मिर्जा, मिर्जा हमारी बात सुनिए। मिर्जा, झूठ की मियाद नहीं सच पे बवाल है। चाहते तो ये सच आपके सामने ना रखते, लेकिन क्या करें, तुर्कन का तो दिल ही कुछ ऐसा है। ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि सुल्तान बनने के सारे हुनर हैं आप में। दिल्ली सल्तनत को आपसे बेहतर सुल्तान कोई और मिल ही नहीं सकता। आपकी काबिलियत पे तो हमें कोई शक नहीं है मिर्जा। आपको अपना सुल्तान मान हम दिल्ली सल्तनत को संभालने में आपकी मदद कर सकते हैं। मोहब्बत में जो अब आंखें खोली हैं हमने, तो दुश्मनी में आंखें हम बंद नहीं करेंगे। शातुरकन, याकूत को इस महल में लाने वाली आप, शाही खानदान के बाशिंदों के कत्ल को अंजाम देने वाली आप, और आप हमारे साथ दिल्ली सल्तनत चलाने में हमारी मदद करेंगे। शाहू का खून दौड़ता है मिर्जा की रगों में। दिल्ली सल्तनत पे हुकूमत करने के लिए हमें एक रकासा और उसके बेटे की जरूरत नहीं है। शाहतुर्कन और उसके बेटे रुकनुद्दीन को अंधेरे तहखाने में डाल दिया जाए। जिस अंधेरे में आज तक ये साजिश रस्ते आए, वही अंधेरा इन्हें ता उम्र मुबारक। ले जाओ इन्हें। मिर्जा, मिर्जा हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी अम्मी की कितनी खिदमत की थी, उसका ये सिला दे रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम दिल्ली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लाहौर लौट जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए मिर्जा, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अब ये सुल्तान नहीं है, गुनहगार है हमारे साथ बिताए हर लम्हे की। इन्हें बंदी बनाकर हमारे साथ भटिंडा ले जाया जाए। खुदा के लिए मिर्जा, ऐसा जुल्म मत करो रजिया पर। मोहब्बत है वो आपकी, एक रिश्ता जिया है आपने उसके साथ, आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करो। ले चलो इन्हें। ठीक है मिर्जा, हम भी रजिया को अकेले नहीं भेजेंगे, हम रजिया के साथ जाएंगे। रजिया,
मिर्जा, मिर्जा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो बहुत पछतावा होगा। पछताना तो अब आपको पड़ेगा सुल्ताना, पर हम फैसला इस बात का नहीं कर पा रहे कि हमें नफरत आपसे आपके गुनाहों के लिए है या आपकी बेवफाई के लिए। पर खुदा कसम, जिस याकूत के लिए आपने हमसे बेवफाई की है, हमारी मोहब्बत को रुस्वा किया है, वो जहां कहीं भी छुपा हो मिर्जा उसे ढूंढ निकालेगा। और आपके आशिक याकूत का सर आपको तोहफे में ला कर देगा। ले चलो इन्हें। पे कुछ ऐसा चले, क्या छोड़े, क्या क्या तकमील करे, सरे राह निशाने चाक कदम, थोड़ा और चले। संभालो अपने आप को। हम पालकी में नहीं जाएंगे, हम रजिया के साथ नंगे पांव जाएंगे। आप भूल रही हैं वालिदा सुल्ताना, आप सब हमारे कैदी हैं, और कैदी हुक्म नहीं दिया करते, हुक्म की तामील करते हैं। बेहतर होगा कि आप पालकी में जाकर वापस बैठ जाएं। मिर्जा, माना कि हम आपके कैदी हैं, ये भी माना कि यहां पर आपका हुक्म चलता है सुल्तान मिर्जा, लेकिन अपनों को सहारा देने के लिए आप हमें नहीं रोक सकते, और रजिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका हुक्म ना मानकर हम बगावत कर रहे हैं, तो बागियों की तरह हमारा भी सर कलम कर दीजिए। आपके पास बस यही तरीका है, बाकी रजिया से अलग होने के लिए आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। Thank you.
रुक जाओ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वालिदा सुल्तान? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। हम आपसे गुजारिश करते हैं आप पालकी में जाकर बैठिए। छाले हमारे पांव पे पड़े हैं और दर्द आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों मिर्जा? हम कैदियों के लिए इतना जज्बाती होना अच्छी बात नहीं है। जज्बाती हम कैदियों के लिए नहीं, उस वालिदा सुल्ताना के लिए हो रहे हैं जिसका हर एक कदम हमारे जमीर को रौंद रहा है। चलो, कुछ तो जिंदा है आपके और हमारे दरमियान। आप अपने जमीर की सुन के हमसे गुजारिश कर रहे हैं और हम हमारे जमीर की सुन के रसिया का साथ देना चाहते हैं। और हमारा जमीर कहता है कि रसिया के बगैर हम पालकी में नहीं बैठेंगे। शाम ढलने को है, लश्कर को यहीं पड़ाव डालने का हुक्म दिया जाए। बस बस रसिया, बस हो गया। बहुत दर्द हो रहा ना हमारी बच्ची को, क्या करें? तुम्हारे पूरे पांव छाले से भरे, पता नहीं इतना दर्द कैसे सहन कर लेती हो तुम। ये दर्द तो जैसे अब हमारा नसीब बन गया है नानी जान। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान ले रहा तू हमारी बच्ची का? जिन पैरों पे मेहंदी लगनी थी आज वो खून के रंग रंगे। अरे कोई है? कोई है हमारी आवाज सुनने वाला? अरे अरे बहुत प्यास लग रही है भाई, अरे पानी पिला दो भाई, कोई है? अम्मी, इन अंधेरों से मैं बहुत डर लग रहा है। अम्मी, अरे कैसी जगह कैद कर दिया हमें, ना खाने को है ना पीने को है, अरे ना कोई हमारी आवाज सुन रहा है। अम्मी, ऐसे तो हम और आप यहाँ घुट घुट के मर जाएंगे। हाँ, आप डरिए मत, आपकी अम्मी अभी आपके साथ हैं, हम कुछ करते हैं, आप हौसला रखिए। अंधेरे कितने भी घने हो लेकिन रोशनी के सामने नहीं टिक पाते। इतनी मुश्किलों का सामना हमने एक साथ किया है, ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। हम पर भरोसा रखिए, हम हैं ना आपके साथ। तबरेज खान, जिसके सुपुर्द हमने कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की हुकूमत दी है, उसे एक पैगाम भेजा था कि दिल्ली के कायदे कानून में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, दिल्ली की आवाम पर कोई जुल्मों से तम ना होने पाए, और शहजादे यासिर जो आने वाले वक्त में दिल्ली के सुल्तान बनेंगे उनका खास ख्याल रखा जाए।
और शहजादी शाजिया, उनकी भी हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंच जाते उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म सुल्तान। मिर्जा, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। मिर्जा, आज हमारी तकलीफ देखकर, आपकी आंखों में जो दर्द हमने देखा, उससे एक उम्मीद जागी कि आपके और हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो अभी जिंदा है। माना कि इस वक्त वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो खत्म भी तो नहीं हुआ। अब भी उम्मीद बरकरार है कि रसिया और आपकी मोहब्बत कायम है। वो जज्बात मरे नहीं है, सिर्फ शक की बेबुनियाद दीवार में घुट रहे हैं। उन दीवारों को हटा दीजिए मिर्जा, तोड़ दीजिए उन्हें। हमें पूरा यकीन है मिर्जा, अपनी बच्ची पर हम पूरा एतबार करते हैं, इसलिए हमारा यकीन मानिए। रसिया ने मिर्जा के अलावा ना आज तक किसी से मोहब्बत की है और ना ही वो करेगी, और ये बात तो हमसे बेहतर आपका दिल जानता है मिर्जा। होता है मिर्जा, होता है। दुनिया है मोहब्बत, और मोहब्बत ने तो हमेशा आशिकों का इम्तिहान लिया है, और हमारा दिल ये कहता है कि आप इस इम्तिहान में नाकामयाब नहीं होंगे। नानी जान, युद्धामन फैलाए, हमारे लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। शाही खानदान का खून दौड़ता है हमारी और आपकी रगों में। गुरूर से जिए हैं और गुरूर से ही मरे। हम और आप मुजरिम नहीं हैं, तो किसी के सामने गर्दन या अपनी नजरें झुकाने की जरूरत नहीं, खासकर कि ऐसे लोग जो कि हमारे अब्बू के रहमो करम, उनके एहसान और उनकी खैरात पर पले। खून को ना ललकारिए सुल्ताना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अरे बात तो पहले ही बहुत दूर तक निकल चुकी है, किसकी बात कर रहे हैं? हमारे अब्बू के गुलाम होने की या फिर हमारे खानदान की? खामोश हो जाओ रसिया, हम बात कर रहे हैं ना, बात को बिगाड़ो मत, समझो। इससे ज्यादा बात और क्या बिगड़ेगी नानी जान? ये हमारे होने वाले शौहर हैं, जिन्होंने हमें यहाँ कैद करके रखा है इस बिना पे कि हमने इनकी अम्मी हुजूर का कत्ल किया है। ठीक है, अगर इन्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। इन्हें शक है कि हम बेवफा हैं, इनसे नहीं बल्कि याकूत से मोहब्बत करते हैं। तो आपके इस शक को हम यकीन में बदल देते हैं मिर्जा सुल्तान। हाँ, हम बेवफा हैं, खेल रहे थे आपके दिल के साथ। हम याकूत से मोहब्बत करते हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो रसिया, सौदाई हैं आप। हमारी मोहब्बत को सरे राह रुस्वा किया और किला तक नहीं, पर बेहयाई मिर्जा को पसंद नहीं। अभी बदतमीजों की तरह आपने क्या कहा? आपको याकूत से मोहब्बत है? एक बार नहीं, हजार बार कहेंगे हाँ हम मोहब्बत करते हैं उनसे। धोखा दिया है हमने आपको। क्या सजा मुकर्रर करेंगे सुल्तान आजम इस बेवफा कातिल के लिए?
रजिया, सिपाहियों ले जाओ रजिया को यहाँ से। सुना आपने? सुना आपने? हम याकूत से मोहब्बत करते हैं, आपसे नहीं। मार डालेंगे, मार दीजिए, जिंदा जला देंगे, जला दीजिए, पर हम